नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भरतपुर उपखंड के डीग में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शाह के नेतृत्व में निरीक्षक टीम का गठन कर राजस्थान सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की अवमानना करे डीग कस्बे में खुली दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के साथ साथ दुकानदारों के खिलाफ चालान भी किया गया है। सतर्कता टीम में शामिल डीग उपखंड के तहसीलदार अशोक कुमार शाह के साथ पुलिस जाब्ता सहित गंगाराम, निमेश गिरद्वार, सिंसनी, दीपक बघेल, कनिष्ठ लिपिक सहित तहसील कर्मचारियों की टीम के साथ छापेमारी कर कड़ी पालन हेतु कार्रवाई करी गई है। भारी जुर्माना भी वसूला गया है। आज अभी तक कितने चालान हो गए हैं इसमें? सर आज हमने शुरुआत सुबह से ही की है। डीग में हमने 5 दुकानें सील की जो अनाधिकृत रूप से चल रही थी, जिनको परमिशन नहीं है। और इस काम के लिए मेरे तहसील का पूरा स्टाफ मैंने लिया था, पटवारी, गिरदावर वगैरह, ऑफिस के बाबू वगैरह सबको लेके वहाँ डीग में 5 दुकानों को सील किया। और डीग में ही हमने 3 चालान काटे और उसके साथ उसके बाद में निकला सुझावटी में, एक दुकान को हमने सील किया है। सुझावटी के बाद सिंसनी में गए, सिंसनी में 2 दुकानें खुल रही थी उनको हमने सील किया। और वहाँ सिंसनी से चल के हम मांडेरा में आए, यहाँ जो छोटी मोटी दुकानें खुली थी उनको हमने डांट लगाई और दुकानें बंद करवाई हैं और उनके चालान वगैरह भी हमने सील किया।